जैसा कि बाप का गिफ्ट पार्ट वन में आपने देखा, लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल ना मिलने पे मुकद्दर को दोष देते हैं। कुछ ऐसा ही किया मोनू और ज्योति ने रोहित के साथ, बाइक ना होने के कारण उसकी गरीबी को दोष देते हैं। रोहित की नाराजगी देख पापा ने दिलाई नहीं बाइक। अगले दिन रोहित बाइक लेके जा रहा स्कूल, वहीं कुछ बदमाश ज्योति को कर रहे परेशान। पार्ट वन में आपने यहाँ तक देखा, अब कहानी आगे। और हाँ, अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर जरूर देखें। छोड़ दे इसे, जाने दे। अबे वही चिकनी, शक्ल से शरीफ लगता है, तेरा बाप तुझे पढ़ने भेजता है ना, जाके अपनी क्लास अटेंड कर। मैंने बोला ना छोड़ दे इसे, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ओए सुना नहीं दिया तेरे को, चलने के लिए यहाँ से जाके पढ़ाई कर चल। और शायद तुझे पता नहीं है, आज हमारे मोटू का बर्थडे है। बर्थडे तो इसका है, लेकिन केक मैं ही काटूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा मोटू। भैया माफ कर दो भैया, भैया बहुत बड़ी गलती होगी भैया, भैया बहन ने मेरी मैं तो छेड़ नहीं रहा इसे। प्लीज भैया माफ कर दो भैया, आगे से देखो प्लीज भैया, भैया जाने दो भैया। तू यहाँ पे खड़ी है, तुझे पता है कब से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ। कहाँ भेजी है वो? एक्चुअली मुझे कुछ बदमाश छेड़ रहे थे। बदमाश कहाँ है? भाग गए। अच्छा है भाग गए, वरना मेरे हत्थे लग जाते तो एक अद्धे की हड्डी टूट जाती। वैसे गरीब क्या कर रहा है यहाँ पे? इसी ने तो मुझे बचाया बदमाशों से। क्या साले, तूने बुलाए थे ना गुंडे लड़की को इंप्रेस करने के लिए? साले तब से देख रहा हूँ चपड़ चपड़ किए जा रहा है, और क्या लगा रखा है गरीब भिखारी, लिमिट में रहे, और भिखारी होगा तेरा बाप। क्या कह रहा था तू? रेस करना है ना तुझे, जब मानो ना आ जाइए। क्या हुआ? इस गरीब के पास बाइक कहाँ से आई? पता नहीं, साले ने बिल्कुल मेरी जैसी ली है। थैंक यू मुझे गुंडों से बचाने के लिए। एंड सॉरी मैंने तुम्हें इतना भला बुरा बोला। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे तुमसे और तेरी बातों से दोनों से नफरत है। इतनी नफरत करते हो तो मुझे क्यों बचाया बदमाशों से? वो मेरा फर्ज था, और तेरी जगह कोई और भी लड़की रहती ना तो उसे भी बचाता। और हाँ मुझे इरिटेट मत कर, कहाँ मैं गरीब सा लड़का और तू कहाँ हाई स्टैंडर्ड की लड़की, तुम्हारे सामने क्या औकात है मेरी? लव लेटर फेसबुक इंस्टा के टाइम में ये लव लेटर कौन देता है? हाय मैं आपकी रूही। और भाई क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है। क्या पढ़ रहा है? कुछ नहीं पापा। अरे कहीं एग्जाम के लिए पर्ची वर्ची तो नहीं बना रहा है? नहीं पापा, इसमें मैथ्स के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पेपर में लिखने से ना आसानी होती है रिविजन करने में। हाँ तो फिर छिपा क्यों रहा है? ला मैं भी तो देखूं आखिर तेरे को कुछ याद है या नहीं है। क्या पापा आप भी कीर्तन भजन करने की उम्र में आप फॉर्मूले पूछ रहे हो? अरे भजन कीर्तन होता रहेगा, पहले दिखा मैं भी तो देखूं आखिर तेरे को कुछ याद है या नहीं है। पापा। हाँ वो बबीता आंटी है ना, वो आपके लिए ना मस्त पास्ता बनाई है, मैं तो जाके टेस्ट करके आ गया, अब आपकी बारी है। वैसे बबीता आंटी आपको मिस भी कर रही थी और बोल रही थी
छोटू छोटू पापा कहाँ गए? तो मैंने बोला पापा आएंगे तो मैं बता दूंगा। पापा कहीं देख लो कि पास्ता खत्म ना हो जाए। अरे पास्ता यार, वो तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, मैं टेस्ट वेस्ट बाद में लूंगा, पहले मैं पास्ता का टेस्ट लेता हूँ। हाय, मैं आपकी रूही। समुद्र को देख सच्चाई का पता चलता है, समुद्र को देख सच्चाई का पता चलता है, आसमान से उसकी पढ़ाई, और जो मिल जाओ आप हमें तो बच जाइए हमारे लिए सात जन्मों की शरण। आई लव यू। कल शाम 4 बजे मैं आपका इंतजार करूंगी डिस्ट्रिक्ट पार्क। आपकी रूही। आदि, सूरज, अच्छा विशाल भाई। हाय, आई एम रूही। हेलो, कहाँ घूम गई वनी वन में? रूही, यस। कहीं तू मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रही है ना? नहीं नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, गरीब बच्चे की मदद करते हुए, मुझे तभी तुमसे प्यार हो गया। अच्छा जी, देख प्यार करने से पहले ना प्यार के बारे में जानना भी जरूरी होता है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और इसी की वजह से कुछ दिन पहले ही एक लड़की मुझे छोड़ के गई है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। और मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम गरीब हो। वैसे भी मेरे पास पैसे की कमी तो है नहीं, मुझे बस एक भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। और ये बोल के तुमने मेरा भरोसा और भी जीत लिया। चल अब हम लेट हो रहे हैं, घर चलते हैं। हाय, क्या है यार, आप काफी सुंदर हो। हाँ हूँ, तो क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? अरे वैसे कोई है भी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। तुम्हें क्या मतलब? क्या बोल रहा था ये? कुछ नहीं, भिखारी को भीख चाहिए थी, दे दी। ज्योति, कैसी है? मैं बढ़िया, तू बता। मुझे नहीं पता था इंडिया आने के बाद मैं तुझसे ऐसे मिलूंगी। अरे मिल गए ना, आई एम सो हैप्पी। अच्छा मेरे को एक बात बता, तू बता रही थी इंडिया आने के बाद तुझे कोई लड़का पसंद आया? हाँ। कौन है वो भाग्यशाली? वो रोहित। हाँ, तो जानती है इसे? हाँ, लेकिन यार तू महलों की कहाँ राजकुमारी और कहाँ ये? यार प्यार में ना अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती, और रही बात अमीरी और गरीबी की, तो ये भी उतना ही अमीर है जितना कि मैं। तू भी किस भैंस के आगे बिन बजा रही है? रोहित ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा तू बता रही थी तेरा भी कोई बॉयफ्रेंड है? अभी मैं लाती हूँ। मोनू इधर आओ, मैं अपनी फ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ तुम्हें। ये शर्मा क्यों रहा है? मोनू मीट माय फ्रेंड। ये है तेरा बॉयफ्रेंड? ये कल मुझे बस स्टॉप पे छेड़ रहा था, इस जोकर को पटाया तूने? क्या कह रही है ये? यू लायर, एक मिनट में आई। यू चीटर, यू लायर, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हाँ ये लोग प्यार का मजाक बना के रखे हैं,
बट हमें क्या, हम तो सही है ना।